भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नारी शक्ति जिंदा। कश्मीर में डेवलपमेंट के डंके बजाए जाते हैं यहाँ पार्लियामेंट के अंदर कि रोड बन गई, हाईवे बन गए, फलाना ढिमकाना हो गया, लेकिन वो रोड और टनल जो हाईवे, पार्क में भी प्रदर्शन किया, जम्मू में भी प्रदर्शन किया, डॉक्टर के पास भी गए, पर किसी ने भी हमारी नहीं सुनाई की, ना हमारी सुनाई हुई, ना हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। भारत सरकार की एक ऐसी योजना जो पूरे देश में लागू है, सर्व शिक्षा अभियान के मातहत जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है और सरकार एक अलग बजट अलॉट करती है, लेकिन सरकार एक बड़ा खेल कर रही है, गरीब के बच्चे और गरीब ही लोग खाना बना के खिला रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से आए हुआ डेलीगेशन, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर से आए हो? जी, हम जम्मू कश्मीर से हैं और आज हम जो जंतर मंतर के अंदर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा विषय है हमारी मिड डे मील कुक जो सरकारी स्कूल के अंदर खाना बनाने का कार्य करती हैं और उस स्कूल के अंदर जो सफाई का भी काम करती हैं माइयाँ जिनको बोला जाता है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, नारी सशक्तिकरण के रूप में उनके साथ संशोधन हो रहा है। और देखिए कि हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लगाया जाता है वो कहीं ना कहीं विफल दिखा जा रहा है, और ये झूठा नारा कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि हमारी नारी शक्ति जिनको अपने घरों में होना चाहिए, अपने कामकाज में होना चाहिए, आज वो जम्मू कश्मीर से उठ के यहाँ जंतर मंतर पे धरना और प्रदर्शन लगा रही है और गुहारे लगा रही है सरकार के आगे कि हमारा उस कामकाज का, उस वर्किंग का हमें हर्जाना मिले। इनको सैलरी भी नहीं मिलती, दर्जा भी वर्कर का है, एम्प्लॉय का नहीं है इनको। जब दर्जा भी वर्कर का है, सैलरी भी नहीं मिलती, और मुझे बताइए ये काम कर तो करे क्यों? 100-100 बच्चों का खाना अगर ये बनाती है वो तो चलो इनका बड़प्पन है कि उस गरीब बच्चों का जो खाना ये बनाती है इनको भगवान या माता रानी इनको आशीर्वाद देगी, लेकिन हमारी यहाँ की बैठी सरकारें और हमारे प्रतिनिधि जो चुन के यही लोग सरकारों में लाते हैं वो अनदेखा इनको जब करते हैं, तो मुझे बताइए भगवान भी डरता होगा ऐसे प्रतिनिधियों से, ऐसे राजनेताओं से जो गरीबों के छातियों पे पांव रख के अपनी इलेक्शन की कुर्सी जीतते हैं फिर इनको भूल जाते हैं। कितने रुपए महीने मिलते हैं इनको? महीने का मात्र 900 से 1000 रुपये मिलता है, वो भी 12 महीने नहीं 10 महीने, 2 महीने छुट्टी होने पे भी उनको नहीं मिलता वो पैसा। और सफाई करने वाली 6 महीने 8 महीने में एक बार 250 या 300 या 600 मिलता है, वो भी उनको पूरा नहीं मिलता। नहीं, गवर्नमेंट का रूल है एक मिनिमम वेजेस का, ये कम से कम मिनिमम वेजेस से तो कम दे नहीं सकते। देखिए भाई साहब, मिनिमम वेजेस एक्ट जो आप जिसकी बात कर रहे हो, कभी कहते हैं कि यूटी के अंदर लागू होता है, जम्मू कश्मीर जब से यूटी बनाया है तो अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट का कहीं नामो निशान नहीं है। एक यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, यदि अपनी लेबर को वो मिनिमम वेजेस से यदि कम तनख्वाह दे दे और ऑफलाइन तनख्वाह दे दे तो वो केस हो जाएगा, वो जेल चला जाएगा, लेकिन सरकार के ऊपर नियम लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के डंके बजाए जाते हैं यहाँ पार्लियामेंट के अंदर कि रोड बन गई, हाईवे बन गए, फलाना ढिमकाना हो गया, लेकिन वो रोड और टनल जो हाईवे हैं उसके अंदर को थालियाँ तो लगी नहीं जिसमें खाना खाएंगे रोज बैठ के, ये खाना खाएंगे वहीं पे जहाँ पे काम करेंगे, खाना वहीं पे खाएंगे जहाँ पे अपने रोजगार होंगे, ना वहाँ पे रोजगार है इतना, ना कामकाज है। हमारी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, एसपीओ, ऐसी और नारी शक्ति जो है रोडों पे है, हमारा नौजवान, हमारा युवा वो रोड पे है अपने रोजगार को लेके। तो ये कहाँ की डेवलपमेंट की बात करते हैं? जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट अगर हुई है, डिमोशन की हुई है, जिसको यूटी को स्टेट बनाना चाहिए उसको स्टेट से यूटी बना दिया, जिसके अंदर बेरोजगारी कम होने चाहिए उसको बढ़ा दिया, जिसके अंदर यूटी बनाने के बाद लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए वो बढ़ा दिया, इनको कौन सी चट्टी पड़ी थी कि घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के यहाँ गरीब औरत की लड़कियाँ औरतें जो है यहाँ पे आती और यहाँ पे प्रदर्शन करती। ये बेचारी एक होटल लेने के लिए जो है इतना समर्थ नहीं है, स्टेशन में नहा धो के चाय पी के यहाँ पे आई और आज यहीं से ही वापस चले जाएंगी, ये बेचारी मातृशक्ति क्या काम करेगी? और मोदी जी और राष्ट्रपति जी, आप भी एक औरत हैं तो आप भी थोड़ा इन पर तरस खाइए, और जो पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट आज बन के बैठे हैं
उनको भी थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है उसके ऊपर आप देखिए कि आप किस तरीके से इनके साथ बेइंसाफी कर रहे हो। जहाँ जहाँ से भी हमारे एमपी, चाहे वो हमारे जम्मू के हों, कठुआ के हों, आज दिल्ली के अंदर सेंटर में बैठे हैं, तो आपको ही कम से कम शर्म आनी चाहिए इस नारी शक्ति की आवाज़ उठाने के लिए। और अगर आप नहीं उठाएंगे तो ये रूप दुर्गा का भी है, माँ का भी है, चंडी का भी है। और अगर इनकी बद्दुआएं आपको लगेंगी तो ये जान लीजिए इनकी बद्दुआएं जब लगेंगी तो प्रॉपर आपके हर एक काम काज पे लगेगी। और अगर आप इनकी आवाज़ नहीं सुनेंगी तो भगवान देख रहा है, वो इंसाफ करेगा आपके साथ। नहीं, ऐसा तो नहीं है जैसे BSNL MTNL को बर्बाद करके सरकार प्राइवेट कम्युनिकेशन कंपनी को बढ़ावा दे रही है, अभी आपके सामने रिचार्ज के रेट बढ़े हैं, तो इसी तरह से सरकारी स्कूलों को ख़त्म करके बंद करके पिछले 10 साल में लगभग 70,000 स्कूल बंद किए, ऐसा तो नहीं इनको बंद करके ऐसा प्राइवेट कर। देखिए, सरकारी स्कूल से इनकी इनकम नहीं बनती, प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूट से इनकी इनकम बनती है, वो इनको पैसा मिलता है, सरकारी स्कूल को देना पड़ता है। लेकिन देश के अंदर हमारे सरकारी स्कूल और बढ़ने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, कि अधिकार है आर्टिकल 21A के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, कि 10वीं तक बच्चा जो है फ्री पढ़ना चाहिए जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो उस आर्टिकल की कदर करते हुए आपको इस एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा और साथ में इनकी आवाज़ जो है वो पूरी करवानी होगी। और हम कुछ अभी हम महिलाओं से बात करेंगे जो स्कूल में काम कर रही हैं। कितना तनख्वाह मिलता है आपको? 1000 रुपया। 1000 रुपया जी, वो भी पुराने टाइम पे मिलता, पूरा टाइम पे नहीं मिलता, 4 महीने बाद, कभी 5 महीने बाद। तो बच्चे कैसे पढ़ाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, क्या करना? मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके भी भीख मांगनी पड़ती है इनसे, हमें वो भी नहीं मिलती। चाहे तो घर पे बैठ के भीख मांगे ना तो वो बात है, है ना, तो वो भी नहीं हमें दे पाते। पंखे भी लगाए, काम करेंगे, ये करेंगे, पर बिल्कुल हमारी मजदूरी हमें नहीं मिल पाती। हम CEO के पास भी गए, पार्क में भी प्रदर्शन किया, जम्मू में भी प्रदर्शन किया, डायरेक्टर के पास भी गए, पर किसी ने भी हमारी नहीं सुनाई की, ना हमारी सुनाई हुई, ना हमारी पे बढ़ी, तो ना किसी ने बोला भी चलो 1000 रुपया इतना कर देंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट है भी हम मेहनत करते हैं, हमारी मेहनत हमें मिलनी चाहिए, हमारी पे है जो, चाहे हमारी पे बढ़ाई जाए तो चाहे हमें परमानेंट किया जाए। आप भी स्कूल में काम करते हैं खाना बनाने का? हाँ, खाना। आपको कितना तनख्वाह मिलता है? यही 900 रुपया आता है, 900 रुपया आता है। 900 रुपये में तो सिलेंडर भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आता। अगर बीमार होंगे तो स्कूल में नहीं जाएंगे, धमकी देते हैं, बोलते काम काम करके फिर घर जाओ। आप काम करके घर जाना है, तनख्वाह 900 रुपये देनी है। हाँ। तो आपने कभी वहाँ स्ट्राइक वगैरह करने का सोचा? बहुत स्ट्राइक की, बहुत ज्यादा स्ट्राइक। सैलरी हम बोलते हैं 1000 में, बोलते हैं 30 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहे हो आप स्कूल में, 30 रुपये दिहाड़ी नहीं बनती हमें, 30 रुपये नहीं बनती हमारी। हम यही रिक्वेस्ट है, मजदूरी काम करना, नितिन मोदी से हमारी आप बन के बिनती है भी गरीबों के साथ हत्याचार करनी बंद कर दो, बंद कर दो, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी। बचाओ, नितिन मोदी क्या बचा रहे हैं बेटी, बेटी को, बेटी घर घर में जाके अपनी मेहनत कर रही है, उसको मेहनत का फल भी नहीं मिला जा रहा। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं बेटियों के लिए? एक तो आवाज निकालते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये क्या बचा रहे हैं? ये तो खुद मारने की बनाई है हमारा उन्होंने, मरने का कुछ भी नहीं। सुबह जाएंगे, शाम को गर्मी में पट्टी के पास खड़े होंगे, खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, कोई गिर। एक दिन मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते अंदर गई, वहाँ पे मैं चक्कर खा के गिर गई, मेरे घर वाले आए मुझे उठा के घर पे लेके गए। 30 रुपये में क्या होगा? छोड़ के नहीं देते, छोड़ देते आज के लिए, आज हमारा कुछ बनेगा, कल कुछ बनेगा। हम बोलते नहीं थे, कहते जितनी देर माँ बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं देती। हमारे साथ भी यही है, हम बहुत देर के देख रहे थे हमारा आज बनता है कल बनता है, हमारा कुछ नहीं बना, पर आज हमने आवाज निकाली है, पर ये आवाज हम पूरी करके छोड़ेंगे। ये है पूरे देश से आई हुई महिलाएं जो सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाती हैं और 30 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी मिलती है, जबकि देश में कानून है मिनिमम वेजेस का, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर पर लागू है, ठेकेदारों पर लागू है, सरकार पर कुछ भी लागू नहीं है। सरकार ये चाहती है कि गरीबों का खून चूसे और अमीरों की जेब भरे। आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ।